हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू श्री एजुकेशन। सो फ्रेंड्स, आज है 1 दिसंबर। तो 1 दिसंबर के आपके जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर होंगे वो सब हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और अगर आप लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ का जो लिंक है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। उस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम एप्लीकेशन पर जाकर आप इसका पीडीएफ ले सकते हैं। और जैसे कि आप लोग जानते हैं कि कल जब हमने 30 नवंबर के करंट अफेयर्स पढ़े थे तो लास्ट में आपको टेस्ट क्वेश्चन दिया गया था। सबसे पहले वो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे आज के करंट अफेयर्स। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कल का आपका टेस्ट क्वेश्चन था कि हाल ही में किसे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ नियुक्त किया गया। तो उनका नाम है विपिन रावत, यानी कि ए ऑप्शन आपका सही है। विपिन रावत को हाल ही में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का पहला प्रमुख नियुक्त किया गया। काफी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया था। और अब हम स्टार्ट करेंगे आज के करंट अफेयर्स। और आज का सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका कि हाल ही में किसे 55वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो उनका नाम है इनका पूरा नाम बताया थी, तो इनका पूरा नाम है अकितम अच्युतन नमूद्री। ठीक है, इन्हें हाल ही में 55वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आपको यहाँ पर यह भी बता दूं कि जो अकितम है ना, ये मलयालम कवि हैं ये, जिन्हें ये हाल ही में ज्ञानपीठ अवार्ड दिया गया। अब यहाँ पर आपको ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में इम्पोर्टेंट पता होना चाहिए, एग्जाम्स में पूछ लिया जाते हैं। तो आपको बता दूं कि जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है ना, ये उन कवियों को दिया जाता है जिन्होंने भारतीय संविधान में जो लैंग्वेज दर्ज है उन भाषाओं में अपनी कविता लिखी हो। ठीक है, ऐसे कवियों को ये पुरस्कार दिया जाता है, ज्ञानपीठ पुरस्कार, जो कि 2019 में अकितम को दिया गया। और यहाँ पर ये भी बता दूं कि ये जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है, इसके जो विनर होते हैं उन्हें कैश प्राइज के तौर पर 11 लाख रुपए दिए जाते हैं। और ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी, ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसकी स्थापना 1961 में हुई थी। और सबसे पहला जो ज्ञानपीठ अवार्ड है ये किसे दिया गया, तो पहला जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है ना, ये G.S. कुरूप को दिया गया था। इनका नाम आपके लिए इम्पोर्टेंट है, G.S. कुरूप पहली व्यक्ति थी जिन्हें ये अवार्ड दिया गया था, पहला अवार्ड ज्ञानपीठ पुरस्कार का। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपको याद रखनी है, ज्ञानपीठ पुरस्कार से रिलेटेड इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन आपके लिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में आरबीआई बैंक ने किस बैंक पर 1.5 करोड़ का जुर्माना लगाया है। तो बैंक का नाम है कॉर्पोरेशन बैंक, यानी कि ए ऑप्शन आपका सही है। हाल ही में आरबीआई ने कॉर्पोरेशन बैंक पर 1.5 करोड़ का जुर्माना लगाया है। अब ये जो जुर्माना है ये क्यों लगाया गया है, तो आपको बता दूं कि जो कॉर्पोरेशन बैंक है इन्होंने आरबीआई के जो नियम है उनका पालन नहीं किया है, और इसीलिए ये जुर्माना लगाया गया आरबीआई के द्वारा 1.5 करोड़ का। ठीक है, यहाँ पर आरबीआई और कॉर्पोरेशन बैंक, इन दोनों बैंक्स के बारे में इम्पोर्टेंट पता होना चाहिए। सबसे पहले देखिए आरबीआई, फुल फॉर्म आप लोग जानते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और इसकी स्थापना 1935 में हुई है। हेडक्वार्टर अगर पूछा जाए तो हेडक्वार्टर इसका मुंबई में है। और आरबीआई के जो गवर्नर है बहुत ही इंपॉर्टेंट है इनका नाम, तो उनका नाम है शक्तिकांत दास, एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं। उसके बाद दूसरी इंपॉर्टेंट बात आपको पता चाहिए कॉर्पोरेशन बैंक से रिलेटेड। तो देखिए कॉर्पोरेशन बैंक, इसकी स्थापना 1906 में हुई है और इसका हेडक्वार्टर मैंगलोर में है। ठीक है, और उसका सीईओ का नाम पता चाहिए, तो सीईओ का नाम है P.V. भारती। ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपको याद रखनी है कॉर्पोरेशन बैंक से रिलेटेड प्लस आरबीआई से रिलेटेड। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन भी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री जिनका नाम है यसुहिरो नाकासोन, ठीक है, इनका निधन हो गया है। तो यसुहिरो नाकासोन ये जापान के पूर्व प्रधानमंत्री थे, यानी कि डी ऑप्शन आपका सही है, इनका हाल ही में निधन हो गया। और देखिए ये जो पिक्चर में दिखाई दी ये है यसुहिरो नाकासोन, जापान के पूर्व प्रधानमंत्री, एज बता देती तो 101 यानी कि 101 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो गया है। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये कब से कब तक जापान के प्रधानमंत्री थे, तो आपको ये बता दूं कि 1982 से लेकर 1987 तक ये प्रधानमंत्री थे जापान के। ठीक है, जापान के बारे में भी आपको नोट करना होगा। फिर तो यहाँ पर जापान, इसकी कैपिटल है टोक्यो, करेंसी है जापानीज येन और प्राइम मिनिस्टर शिंजो ए। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हो गई जापान से रिलेटेड जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में सबसे तेज 7000 टेस्ट रन बनाने वाले क्रिकेटर कौन बन गए हैं। तो उनका नाम है स्टीव स्मिथ, ए ऑप्शन आपका सही है। देखिए ये जो पिक्चर में दिखा रही है स्टीव स्मिथ, इन्होंने हाल ही में सबसे तेज 7000 टेस्ट रन पूरे किए। ठीक है, और ये पहले खिलाड़ी बन गए।
आपको यहाँ पर पता चाहिए, तो जो स्टीव स्मिथ है ना, ये ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर हैं, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के ये फेमस क्रिकेटर हैं, इनका नाम इम्पोर्टेंट याद रखते हैं। और यहाँ पर आपको ये बता दूं कि ये जो 7,000 टेस्ट रन बनाने वाला जो रिकॉर्ड था ना, ये इससे पहले बैली हैमंड के नाम था, बैली हैमंड के नाम था, जो कि अब स्टीव स्मिथ के नाम हो गया, ठीक है, इन्होंने इनका रिकॉर्ड तोड़ा है। तो ये क्वेश्चन आपको याद रखना है, जैसे कि मैंने बताया कि जो स्टीव स्मिथ है ये ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर है, तो ऑस्ट्रेलिया के बारे में बता देती हूँ आपको। यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल कैनबेरा, करेंसी ऑस्ट्रेलियन डॉलर, और प्राइम मिनिस्टर स्कॉट मॉरिसन। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपको याद रही ऑस्ट्रेलिया से रिलेटेड। और आज का इंपॉर्टेंट अगला करंट अफेयर है आपका कि हाल ही में ऑल इंडिया पुलिस साइंस कांग्रेस का उद्घाटन कहाँ किया गया। तो ऑल इंडिया पुलिस साइंस कांग्रेस, ये जो सम्मेलन है इसे लखनऊ में ऑर्गेनाइज किया गया। ए और बी ऑप्शन आपका सही है, यूपी के अंदर है लखनऊ, आप लोग जानते हैं। और आपको ये भी बता दूं कि ये इसका 47वां संस्करण है, ठीक है, 28 से लेकर 29 नवंबर तक इसे ऑर्गेनाइज किया गया था। और इसका उद्घाटन किन्होंने किया था, तो आपको बता दूं कि जो पुंडुचेरी की लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं और हमारी पूर्व आईपीएस ऑफिसर भी हैं, जिनका नाम है किरण बेदी, उन्होंने इस सम्मेलन का उद्घाटन किया था, ठीक है, इनका नाम आपको याद रखना, किरण बेदी जी का। और उसके बाद आपको ये बता दूं कि ये जो पुलिस साइंस कांग्रेस सम्मेलन है इसे क्यों ऑर्गेनाइज किया गया, तो हमारे जो रक्षक कर्मी हैं उनकी समस्याएं जो जो है उन पर चर्चा करने के लिए इसे ऑर्गेनाइज किया गया था लखनऊ में। यूपी के बारे में बताऊंगी आपको, यहाँ पर यूपी कैपिटल है लखनऊ, चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ और गवर्नर आनंदीबेन पटेल है, इंपॉर्टेंट है नाम गवर्नर का। लोकसभा सीटें 80, राज्यसभा सीटें 31 और विधानसभा सीटें 403 है। और आपको ये भी बता दूं कि यूपी ही ऐसा राज्य है भारत का जिसमें लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा सीटें सबसे अधिक है, ठीक है। यूपी का नेशनल पार्क दुधवा नेशनल पार्क है और फोक डांस रासलीला है। ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हो गई यूपी से रिलेटेड। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किसे MFI पैनल का अध्यक्ष बनाया गया, तो उनका नाम है RH खान, यानी कि सी ऑप्शन आपका सही है, RH खान हाल ही में MFI पैनल के अध्यक्ष बने। MFI की फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, तो इसकी फुल फॉर्म माइक्रो फाइनेंस, ठीक है, और इनका नाम याद रखना है RH खान नाम है इनका, एग्जाम में पूछ लिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री जिनका नाम है आदेल अब्दुल मेहंदी, इन्होंने इस्तीफे की घोषणा की है। तो आदेल अब्दुल मेहंदी ये इराक के प्रधानमंत्री थे, ठीक है, बी ऑप्शन आपका सही है, इन्होंने हाल ही में इराक के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफे की घोषणा कर दी है। और आपको ये भी बता दो कि जो आदेल अब्दुल मेहंदी है ना, ये 2018 में प्रधानमंत्री बने थे, अब 2019 में इन्होंने इस्तीफे की घोषणा की है। और इनके बारे में एक और इम्पोर्टेंट बात बता दो कि जो आदेल अब्दुल मेहंदी है ये 2005 से लेकर 2011 तक इराक के राष्ट्रपति भी रहे थे, प्रेसिडेंट रहे थे। उसके बाद 2014 से लेकर 2016 तक ये इराक के तेल मंत्री भी रहे थे, ऑयल मिनिस्टर, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट बातें हैं आदेल अब्दुल मेहंदी से रिलेटेड। और देखिए जो पिक्चर में दिखाई दी, ये है आदेल अब्दुल मेहंदी, इराक के प्रेजेंट में प्रधानमंत्री हैं ये। इराक के बारे में देखिए, यहाँ पर इराक, इसकी कैपिटल है बगदाद, प्रेजिडेंट है बरहम सालेही और प्राइम मिनिस्टर है आदेल अब्दुल मेहंदी, अभी बताया मैंने। और करेंसी इराकी दिनार है, ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हो गई इराक से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस फिल्म ने गोल्डन पीकॉक अवार्ड जीता है, तो उस मूवी का नाम है पार्टिकल्स, ए ऑप्शन आपका सही है। पार्टिकल्स मूवी एक हॉलीवुड मूवी है, इसने हाल ही में आईफा आईफा 2019 जो ऑर्गेनाइज किया गया था इसमें गोल्डन पीकॉक अवार्ड जीता है, ठीक है, और ये 50वां संस्करण ऑर्गेनाइज किया गया था आईफा का, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया, इसकी फुल फॉर्म है, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और आपको ये भी बता दूं कि ये जो पार्टिकल मूवी है इसके डायरेक्टर कौन है, इसके डायरेक्टर हैं ब्लेज हैरिसन, इनका नाम इम्पोर्टेंट है, ब्लेज हैरिसन डायरेक्टर है इस मूवी के। और इस मूवी के प्रोड्यूसर कौन है, तो प्रोड्यूसर का नाम है एस्ले फियालोन, ठीक है, एस्ले फियालोन प्रोड्यूसर है और डायरेक्टर का नाम है ब्लेज हैरिसन, इंपॉर्टेंट है ये दो नाम आपके लिए। और जैसे मैंने बताया कि आईफा 2019 इसकी फुल फॉर्म आपके लिए इंपॉर्टेंट, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया, और ये कहाँ पर ऑर्गेनाइज किया गया था, तो आईफा 2019 इसे गोवा में ऑर्गेनाइज किया गया था। गोवा के बारे में बताऊंगी आप, यहाँ पर गोवा इसकी कैपिटल है पणजी, चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत और गवर्नर सत्यपाल मलिक है, ठीक है। गोवा के अंदर लोकसभा सीटें 2, राज्यसभा सीटें 1, विधानसभा सीट 40 है। गोवा का फोक डांस फुगडी है और नेशनल पार्क भगवान महावीर सेंचुरी और मोलम नेशनल पार्क, ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं गोवा से रिलेटेड, पहले भी आपको बताया गया है, ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है।
और सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है कि रेटिंग एजेंसी जिसका नाम है मूडीज, इन्होंने हाल ही में भारत की जीडीपी का कितने प्रतिशत तक बढ़ने का अनुमान लगाया है? तो मूडीज ने हाल ही में, जो कि रेटिंग एजेंसी, इन्होंने हाल ही में अनुमान लगाया है कि 3.7% जो भारत की जीडीपी है वो इंक्रीज हो सकती है। जीडीपी दर जो है वो 3.7% के साथ इंक्रीज हो सकती है। मूडीज के बारे में बता देती हूँ। मूडीज देखिए, इसकी स्थापना पूछी जाए तो 1909 में हुई है और फाउंडर है जॉन मूडीज के फाउंडर है। और हेडक्वार्टर कहाँ पर? तो मूडीज का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है, याद रखना है। और जीडीपी, इसकी फुल फॉर्म आप लोग जानते हैं ना, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। और आज का जो आखिरी क्वेश्चन है वो ये है कि 2020 में आयोजित होने वाले नौ सैनिक अभ्यास जिसका नाम है मिलन, इसकी मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो इस अभ्यास की मेजबानी भारत करेगा। डी ऑप्शन आपका सही है। इस अभ्यास का नाम याद रखना है, मिलन अभ्यास है, ठीक है। और ये द्विपक्षीय अभ्यास है दोनों देशों। और आपको ये भी बता दूं कि ये जो नौसेना अभ्यास है मिलन, इसे क्यों ऑर्गेनाइज किया जा रहा है? तो और आपको ये बता दूं कि ये जो नौसेना अभ्यास है ना, ये हमारी भारतीय नौसेना के द्वारा ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। क्यों ऑर्गेनाइज किया जा रहा है? तो हमारे जो नौसैनिक हैं उन्हें ट्रेनिंग देने के लिए और समुद्री रास्तों से व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए इस अभ्यास को ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, ठीक है। यहाँ पर नौसेना की बात हुई है तो नौसेना के प्रमुख कौन है ये बता देती हूँ। तो हमारे नौसेना प्रमुख हैं, यानी कि इंडियन नेवी के जो चीफ है उनका नाम है करमवीर सिंह। इम्पोर्टेंट नाम है उनका, याद रखना है आपको। और ये कुछ इम्पोर्टेंट बातें थी इस क्वेश्चन से रिलेटेड। और ये थे आपके आज के, यानी कि 1 दिसंबर के करंट अफेयर्स। और जैसे कि स्टार्टिंग में कहा गया है आपको कि लास्ट में एक टेस्ट क्वेश्चन दिया जाएगा, तो आज का टेस्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किसने महाराष्ट्र के 19वें मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है? इन चार ऑप्शन में से बताना है। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। सो फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक जुड़े रहिए हमारे साथ। थैंक यू।